हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर के टॉप 10 फैक्ट्स बताने वाला हूँ। अभी इंडिया में फ्री फायर का बहुत ही बड़ा क्रेज चल रहा है और शायद सबको ही फ्री फायर का नाम तो पता ही है और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पीपल फ्री फायर का गेम खेलते हैं। आप खेलते हैं कि नहीं? आप फ्री फायर खेलो या ना खेलो, बट मुझे ये तो पता है कि आपको फ्री फायर के फैक्ट जानने में इंटरेस्ट है और साथ साथ मुझे भी इंटरेस्ट है कि आपको ये फैक्ट बताने के लिए। इसीलिए अभी के अभी लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि फ्री फायर के फैक्ट सुनते वक्त आप लाइक ठोकने के लिए जा ही नहीं पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1 गाइस, पबजी का पीसी वर्जन 23 मार्च 2017 में आया था, पर उसका मोबाइल वर्जन तब नहीं आया था। पबजी से पहले फ्री फायर का मोबाइल वर्जन आया था और वो रिलीज़ हुआ था 4 दिसंबर 2017 में, और पबजी का मोबाइल वर्जन रिलीज़ हुआ था फरवरी 2018 में। फैक्ट नंबर 2, वैसे अगर आप फ्री फायर खेलते होगे तो आपको पता ही होगा कि लेवल कितना मायने करता है और लेवल बढ़ने में कितना समय लगता है, पर क्या आपको पता है सबसे हाईएस्ट लेवल कौन से पीपल की है या फिर किसकी है? उनका नाम है बी बाई और उनके लेवल है 100। फैक्ट नंबर 3, हे गाइस, फैक्ट नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताइए कि आपने कभी इलाइट पास परचेस किया है? अगर परचेस किया होगा तो कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट पढ़ने के लिए रेडी हूँ। ओके, तो मुझे ये बताइए कि आपने इलाइट पास परचेस किया है तो आपने फर्स्ट वाला इलाइट पास कभी परचेस किया है, या फिर आपको पता है फर्स्ट इलाइट पास कौन सा था फ्री फायर का? अगर आपको नहीं पता तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ पहला इलाइट पास कौन सा था। दोस्तों, जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं वो था फ्री फायर का फर्स्ट इलाइट पास और वो लॉन्च हुआ था जून 2018 को। बिना आपका टाइम गवाए हम चलते हैं फैक्ट नंबर 4 पे। फैक्ट नंबर 4, ये गाइस, फ्री फायर में लेवल 4 का वेस्ट कम से कम ही मिलता है, और हमें अगर हमारा वेस्ट लेवल 3 का 4 में अपडेट करना है तो हमें आर्मर अपडेटेड टूल की ज़रूरत रहती है। दोस्तों, क्या आपने ये फोटो में कुछ नोटिस किया? अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो वीडियो को अभी रोक के आप देखिए, नोटिस कीजिए कुछ नई थिंग और मुझे कमेंट में वो बताइए। इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। फैक्ट नंबर 5, गाइज, आपको अभी स्क्रीन पे केली कैरेक्टर दिख रहे होंगे, पर क्या आपको पता है फ्री फायर में ये केली कैरेक्टर की क्या एबिलिटी है? एबिलिटी भी आपको पता होंगी कि फास्ट जोड़ते हैं, पर आपको पता है कितने परसेंट लोग हर मैच में इसे यूज़ करते हैं? 100 में से बस 2% लोग इसे यूज़ करते हैं, और इसकी एबिलिटी भी फास्ट दौड़ने की है। ये एबिलिटी बहुत यूज़ होती है, तभी भी 2% लोग इसे यूज़ करते हैं। फैक्ट नंबर 6, गाइस, क्या आपको पता है फ्री फायर का सबसे रेयरेस्ट बंडल कौन सा है? अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। गाइस, जो बंडल आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है फ्री फायर का सबसे रेयरेस्ट बंडल, और वो बंडल सिर्फ 6 या 7 लोगों के पास है दुनिया में, और ये बंडल का नाम है डिनो रेंजर बंडल। गाइस, अगर ये बंडल आपको 99 डायमंड में मिल रहा होगा, क्या आप लेंगे ये बंडल को? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फैक्ट नंबर 7, गाइस, अभी बंडल की बात ही चल रही है तो मैंने सोचा कि आपको सबसे पहला फ्री फायर के बंडल के बारे में बता दूं। गाइस, जो बंडल आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो वो है फ्री फायर का पहला बंडल, और जब आप फ्री फायर का ट्रायल वर्जन खेलते हो तब यही बंडल रहता है। फैक्ट नंबर 8, गाइस, आप अपने स्क्रीन पे ग्लूवल देख रहे हैं ना, वो ग्लूवल हमें बहुत हेल्प करता है। कभी बंदा आगे आ गया तो हम ग्लूवल डाल के हील कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपको पता है कि ये ग्लूवल है, ये तो इतने बड़े साइज का है, पर जब फ्री फायर लॉन्च हुआ था तब ये कितने साइज का था? जो साइज का ग्लूवल आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वही साइज का ग्लूवल जब फ्री फायर लॉन्च हुआ था तब था। साथ साथ मैं आपको बता दूं, जब फ्री फायर लॉन्च हुआ था तब वो ग्लूवल था ना, वो स्ट्रेट नहीं लगते थे, वो टेढ़े लगते थे। गाइस, क्या आपने ये फोटो में कुछ नोटिस किया? अगर नहीं किया तो अभी मैं आपको आंसर देता हूँ। दोस्तों, आप देखिए ऊपर में वहाँ पे एंड्रयू लिखा है। एंड्रयू एक कैरेक्टर का भी नाम है, और एंड्रयू कैरेक्टर का वर्क ये है कि वो आर्मर को अपग्रेड करते हैं, इसीलिए वो आर्मर अपग्रेडर पे इनका नाम था। दोस्तों, क्या आपको ये वीडियो पसंद आया और इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे पार्ट 2 करके लिख के बताइए। जैसे आपने पार्ट 2 लिखा वैसे पार्ट 2 कुछ ही दिनों में आ जाएगा, और लाइक तो ज़रूर कीजिए जिससे मोटिवेशन मिलेगा, और आने वाले इसमें वीडियो में कुछ मैं ज़्यादा फैक्ट डालूँगा।
सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हम मिलते हैं नई वीडियो में।